जी हाँ दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत केस में जब सीबीआई की टीम जांच कर रही थी तो ऐसी बात नहीं कि कोई बड़ा खुलासा नहीं किया था सीबीआई ने। कई बार ऐसी खबरें सामने आई थी जो मीडिया में जमकर वायरल नहीं हुई थी, जिनको लेकर अब कई सारे सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इसी बीच एक ऐसी खबर थी जो सीबीआई के द्वारा खोजी गई थी, जिसको लेकर मीडिया में काफ़ी ज़्यादा बवाल ही मचा था, क्योंकि सीबीआई को संकेत मिले थे कि सुशांत को उनके लीगल एडवाइज़र सैमुअल हॉकी ब्लैकमेल कर रहे थे एक समय पे, जो कि सुशांत सिंह को मानसिक रूप से काफ़ी प्रताड़ित करने के लिए काफ़ी था। जांच में सैमुअल के कुछ चैट भी हाथ लगे, जिससे सुशांत को ब्लैकमेल किए जाने के आसार बनते दिख रहे थे, जिसके बाद सीबीआई सैमुअल से लगातार पूछताछ कर रही है। जानकारी दे दें कि सुशांत के फार्म हाउस मैनेजर रईस ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया कि सुशांत और सैमुअल के बीच साल 2019 में एक बहुत बड़ा और गंभीर बात पर झगड़ा हुआ था। दरअसल सुशांत के फार्म हाउस का कॉन्ट्रैक्ट सैमुअल ने करवाया था। कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर सुशांत ने उन्हें फार्म हाउस के लिए 2 साल के लिए 26 लाख रुपए दिए थे, लेकिन बाद में पता चला कि यह केवल रकम 1 साल के लिए दी गई थी आगे, यानी कि सुशांत सिंह के मैनेजर ने सैमुअल ने 1 साल की रकम का गड़बड़ घोटाला कर दिया था। सुशांत इस बात पर सैमुअल पर काफ़ी भड़क गए थे और दोनों के बीच जमकर कहासुनी हुई। इस लड़ाई के बाद सैमुअल को रात 2 बजे सुशांत का घर छोड़ना पड़ गया था, क्योंकि सुशांत ने ही उन्हें निकाला था। सुशांत ने सैमुअल का फ़ोन भी जब्त कर लिया था। वहीं इस झगड़े के बाद इस साल सुशांत फार्म हाउस का कॉन्ट्रैक्ट आगे बढ़ाने के पक्ष में नहीं थे। उन्होंने निधन से 2 दिन पहले 12 जून को अपने स्टाफ मेंबर दीपेश सावंत को फार्म हाउस का फर्नीचर बेचने को कहा था। साथ ही वहां पल रहे अपने तीनों डॉग्स अमर, अकबर और एंथनी का अडॉप्टेशन सेंटर भेजने को कहा था। तो ये बात थी कि जिस प्रकार से सुशांत सिंह केस में सैमुअल हॉकिप की गिरफ्तारी हुई थी ड्रग्स मामले में, उसी प्रकार से ठीक सुशांत सिंह को ब्लैकमेल करने की भी पूरी साजिश थी। और सुशांत सिंह राजपूत नेक दिल के इंसान थे, वो इन सब चीज़ों में नहीं फंसना चाहते थे। बावजूद इसके जब उनके सामने ये सब चीज़ें आती थी तो वो पूरी तरीके से टूट जाते थे, क्योंकि वो अपने किस प्रकार से मानसिक स्तर को संभाल सकते हैं उन्हें पता था। लेकिन ये सब लोग जब उनके खिलाफ जाते थे, अपने ही लोग अपने खिलाफ जाते हैं, तो दिल से बुरा लगता है कई लोगों को। इसी वजह से सुशांत भी उनमें से एक थे और उनको सैमुअल की बात काफ़ी ज़्यादा ठेस पहुँचा गई थी, और सैमुअल ने उनका फ़ोन जब्त करके उन्हें घर से आउट कर दिया था। चैट से खुलासा हुआ था कि सुशांत को ये ब्लैकमेल कर रहे थे बाद में। नेक्स्ट 9 लाइव से दीपक की रिपोर्ट।